हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बना रहे हैं एक स्वीट डिश जिसको मोगल्स लेके आए थे इंडिया में। इसका ओरिजिन शायद पर्शिया या मिडिल ईस्ट में हुआ था। हम बना रहे हैं आज फिरनी। तो चलिए देखते हैं फिरनी के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। मैंने यहाँ 2 लीटर दूध लिया है, तो उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी। 2 लीटर दूध, 2 कप राइस जिसको मैंने अच्छे से धो के सुखाया है, 2 कप शुगर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, किशमिश, स्लाइस्ड बादाम, स्लाइस्ड पिस्ता, 2 टीस्पून इलायची पाउडर, और मैं केसर फिरनी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सैफरन दूध में भिगो के रखा है। तो चलिए फिरनी बनाने की शुरुआत करते हैं। हम राइस को एक कोस पाउडर में ग्राइंड करेंगे। पाउडर भी नहीं होना चाहिए और मतलब पीसेस भी नहीं आना चाहिए, पाउडर से थोड़ा ज़्यादा कोस, ठीक है। तो उसको ग्राइंड करके हम साइड में रख देंगे। अब हम एक पैन में दूध ऐड करेंगे और उसको बॉईल होने देंगे। एक बार दूध बॉईल हो गया तो हम फ्लेम लो करेंगे और उसमें डालेंगे हमारा राइस जो हमने कोसली ग्राउंड करके रखा था, और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना वरना लम्स फॉर्म हो जाएंगे। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये दूध और राइस का मिक्सचर थिक ना होने लग जाए। मिक्सचर थोड़ा थिक होने लग जाएगा तब हम इसमें डालेंगे शक्कर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे किशमिश और अगेन उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर और इसको फिर से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। इससे क्या होगा ना, वो स्वीटनेस बैलेंस हो जाएगा और फ्लेवर्स एनहांस होंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे हमारे स्लाइस्ड आलमंड्स, पिस्टैशियोस और केसर, और इसको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट पकने देंगे। फिर क्या हो गई आपकी फिरनी तैयार। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।